Okay, students, here is the question. You can see on the screen, and the question is about to find an equation of circle which is passing through the points 4,1 and 6,5, and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16. मतलब देखिए, हमें एक ऐसा इक्वेशन, मतलब एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन बताना है जो ये दोनों पॉइंट से पास होता हो और उसका जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, मैं क्या ले लेता हूँ, लेट एच कॉमा के बी द सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए, हमेशा ना एक बात याद रखना है आपको कि एक सर्कल का इक्वेशन बनाने के लिए आपको सेंटर की जरूरत होगा और उस सर्कल की रेडियस की जरूरत होगा। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एच के सर्कल का सेंटर है, एच के विद सर्कल सेंटर लिख देते हैं ऐसा, एंड यहाँ पर लिखते हैं एंड आर विद रेडियस, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आपको जनरल फॉर्मूला पता होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल की, तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, रेडियस की स्क्वायर होता है। ओके okay. अब यहाँ पर देखिए, बोला गया है कि ये जो सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन ये दोनों पॉइंट से पास होता है। मतलब कहने का मतलब हो गया, ये पॉइंट जो है ये सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये जो पॉइंट है ना ये भी सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर लिखेंगे सिंस 4,1 इज ऑन द सर्कल, क्योंकि ये 4,1 पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो वो सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह में 4 पुट कर सकते हैं एंड वाई की जगह में 1 पुट कर सकते हैं। सो हियर यू कैन राइट 4 माइनस h की होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k की होल स्क्वायर, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट चीज ये है कि ये जो 0.65 है ये भी तो सर्कल के ऊपर ही लाया करता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है वो चीज, सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5। तो 6,5 पॉइंट भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं नीचे लिखूंगा, यहाँ पर ऐसे करते हैं, सिंस 4,1 एंड 6,5 ईच को कर देते हैं आर ऑन द सर्कल, सो ये एक चीज हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। और दूसरा वाला हो जाएगा 6 माइनस h की होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए अपने क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 2 को माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे ये हो जाएगा कितना, 4 माइनस h का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको ना पूरा लिख देता हूँ, 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ आ जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा -8h, 2 × 4 × h प्लस आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर होता है तो यहाँ आ जाएगा एच की स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया ये वाला। फिर माइनस दे के नीचे वाला को लिखेंगे, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, ओके, सो ये हो जाएगा कितना, 36 माइनस 12h एंड प्लस एच की स्क्वायर, ओके, और इनको माइनस करेंगे अपने फिर से, सो ये प्लस के साथ आएगा प्लस 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर, इसको अगर करेंगे तो मैं यहाँ फिर से ब्रैकेट लगा दूंगा, सो इट विल बी लाइक ये हो जाएगा कितना, 25 माइनस 10k प्लस k स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में r² - r² इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए 16, अच्छा ये प्लस एच स्क्वायर जो है ये जब ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस और ये प्लस
माइनस हो जाएगा, मतलब ये एच स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ओके, ठीक उसी तरह ये जो प्लस के स्क्वायर है, ये ब्रैकेट जब खुलेगा ये माइनस के स्क्वायर बन जाएगा, तो ये प्लस के स्क्वायर और ये माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो जो चीज बच गया उसको मैं खाली लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ 16 बचेगा, -8h बचेगा, उसके बाद ये -36, ये माइनस माइनस हो गया आपका 12h, फिर ये आ गया +1, -2k, प्लस के स्क्वायर तो कट चुका था, ये हो गया -25, +10k, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई और करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए मैं पहले k को ऐड कर लेता हूँ, सॉरी h को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये -8h है और ये +12h है, तो 12h - 8h हो जाता है 4h। ओके, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं +10k है और ये -2k, तो 10k - 2k हो जाता है आपका 8k। ओके, अब ये हो गया कितना, 16 - 36, तो 16 - 36 हो जाता है -20, -20 में अगर +1 करेंगे तो -19, -19 में अगर -25 कर देता हूं तो -44। ओके, सो हियर इट इज -44 = 0, होप कि कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ होगा। सो यहाँ पर आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो एच 2k और ये हो गया -11 = 0, तो ये अपना इक्वेशन 3 बन गया। ठीक है, इसका मतलब हमने एच के का एक लीनियर इक्वेशन खोज लिया है। नेक्स्ट अब एक इक्वेशन और खोजना होगा, वो कहाँ से मिलेगा, देखिए ये जो क्वेश्चन पे क्या लिखा है, व्हिच सेंटर इज ऑन द लाइन, मतलब जो सेंटर एच के हमने चूज किया था वो इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब होता है ये सेंटर इस लाइन का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब एच और के को इस इक्वेशन पे अपने पुट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा सिंस सिंस एच के इज ऑन द लाइन, क्या था, 4x 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। ओके, 4x प्लस y इक्वल टू 16 इंप्लाइज वी कैन राइट 4h प्लस यू नो y के जगह में k, दैट इज इक्वल टू 16। अब इसको अपने दे देते हैं 4। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपली इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 4h है, यहाँ पर h है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं एक काम करके, यहाँ पर से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये बेटर होगा। k इज इक्वल टू व्हाट, 16 - 4h। अब k की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, h प्लस 2 इनटू 16 - 4h, -11 = 0, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा h प्लस 32 -8h -11 = 0, सो हडल विद दिस h -8h, ओके h -8h विल बी -7h, एंड 32 -11 इज इक्वल्स टू यू नो -21, ना सॉरी +21, दैट इक्वल टू 0, सो h विल बी व्हाट, -21 - -7, दैट गिव्स यू 3। ओके, सो एच इक्वल्स टू 3 मिल गया, और यहां से मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूँ, के इज इक्वल टू 16 - 4 × 3, सो इट विल बी व्हाट, 4। सो एच इक्वल टू 3 मिल गया, के इज इक्वल टू 4 मिल गया, है ना। अब हमें आर निकालना है, आर कहीं से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला इक्वेशन 1 पे आप नोटिस करिए, ये वाला इक्वेशन पे एच और के आपने खोज लिया है, एच और के की वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं आपको इमीडिएट आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा। फिर एक बार, एच और के की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा। वंस आर स्क्वायर मिल गया, सो इक्वेशन भी इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच तो मिल चुका है, दैट इज 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर, और यहां से
जब एच के की वैल्यू पुट करेंगे ये आर स्क्वायर आपको मिल जाएगा, और उस वैल्यू को आपको यहाँ लिख देना है और ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा, आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं।